हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सत्यपति सक्सेना, क्लास UKG। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज मैं आपको वोवेल्स के बारे में बताऊंगी। अब ये हमारे हैं वोवेल। वोवेल्स हैं, इनमें कितने 5 वोवेल्स हैं, A, E, I, O, U। ये कितने 5 वोवेल्स हो गए, बाकी हमारे कॉन्सनेंट हो गए। तो इसमें क्या है, ए ए फॉर आंट, ई फॉर एलिफेंट, आंट और एलिफेंट की दोनों कौन थे, फ्रेंड। ये इन्होंने सोचा आइसक्रीम खाने की, आई फॉर आइसक्रीम। तो दोनों ने आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की खाने की सोची, ऑरेंज फ्लेवर की, और अंडर द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला के अंडर, अम्ब्रेला के नीचे आइसक्रीम खाने की सोची इन एलिफेंट और आंट ने। ये दोनों एलिफेंट और आंट दोनों में फ्रेंड थे, इन्होंने आइसक्रीम खाने की सोची ऑरेंज फ्लेवर की, और अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे। ये हमारी हो गए वोवेल्स। ये है A, E, I, O, U। ये हमारी वोवेल्स हैं A, E, I, O। सब हमारे वोवेल्स हैं, आप इनको लर्न करेंगे। और बाकी जो बाकी वर्ड बचे हैं अल्फ़ाबेट में, वो हमारे कॉन्सनेंट होते हैं। ये फाइव वोवेल्स होते हैं, बाकी जो B, C सारे कॉन्सनेंट में आते हैं। ये आप लर्न करेंगे और इनका अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि कौन से हमारे कॉन्सनेंट के हैं, कौन से हमारे वोवेल्स के हैं। इसी तरह आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी मम्मी पापा को सुनाएंगे। ये कौन से हैं, A, E, I, O, U। A, E, I, O, U। ये हमारे वोवेल्स हैं 5। कौन कौन से हैं आपने समझे, A, E, I, O, U। ये आपके हो गए 5 वोवेल्स। अब मैं इसके नेक्स्ट बताऊंगी। अब ये हमारे हैं कलर द टॉफी विद करेक्ट कलर। आपको इन टॉफ़ी में करेक्ट कलर करना है। ये हमारे क्या है, ए साउंड के जो बर्ड्स हैं उसमें आपको क्या करने हैं, ब्लू कलर करना है, और जो ई साउंड के हैं उसमें येलो करना है, और जो आई साउंड के हैं उसमें आपको रेड करना है, और जो ए साउंड के एस और ओ साउंड के हैं उसमें ग्रीन कलर करना है, यू साउंड के हैं उसमें कौन सा कलर करना है आपको, यू ए रेड कलर करना है उसमें भी। अब ये है हमारा CAT, कैट। कौन सी साउंड का है, ये ए साउंड का है, तो इसमें कौन सा कलर करना है, हमें ब्लू कलर करना है। और जो PIN, तो कौन सा कलर करना है इसमें, पिन में हमें रेड कलर करना है। और ये HAT, हैट, ए साउंड का है, इसमें ब्लू कलर करना है। अब PEN, पेन में कौन सा करना है, येलो कलर। SUN, सन, सन में कौन सा कलर करना है, रेड कलर। NET, नेट, नेट में कौन सा कलर करना है, इसमें करना है येलो। ये हमारे ई साउंड का है। और यह है HOT, पॉट, पॉट में कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। ये हमारे ये वोवेल्स हैं, इसमें A, E, I, O, U। जैसे हमने पिछले सी पहले सीखे हैं, अभी वही कलर हमने इसमें अलग तरह से सिखाए हैं। ये टॉफ़ी की हेल्प से आप टॉफ़ी के उसमें कलर करेंगे टॉफ़ी में, और आप अपनी मम्मी को दिखाएंगे, अपनी मम्मी से इसी तरह की बर्थ सीट बनवाएंगे, उस पर आप इसी तरह कलर करेंगे और इसी तरह के अपना वर्क करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वर्क करने में। आपको टॉफ़ी भी दिख रही है, आपको टॉफ़ी खाने का बहुत शौक है ना, इसलिए हमने ये टॉफ़ी आपको टॉफ़ी के द्वारा आपको समझाया है। ये कौन से ये है वोवेल्स, A, E, I, O, U। इन्हीं के साउंड के हमारी हमने टॉफ़ी बना रखी है। अब इसके नेक्स्ट हम आपको अलग दूसरी पिक्चर के द्वारा समझाएंगे। अभी हमारा है सर्किल द करेक्ट साउंड ऑफ ईच इमेज। इसको इसमें हम ये पिक्चर किसकी देख रहे हैं, ये एपिल की पिक्चर है, तो इसमें E, A, और O बर्ड्स दे रखे हैं। अब आपको किस पे सर्किल करनी है, इस पे ए बर्ड्स पे सर्किल करेंगे। ये ए फॉर एपिल होता है। अब ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में A, I, U है, तो हम किस पे सर्किल करेंगे, यू पे। ये हमारा वोवेल्स यू हो गया, ये ए हो गया, ये यू हो गया। अब ये क्या है, काय की पिक्चर है, एग की। अब इसमें हम क्या करेंगे, A, O, A, E है, तो हम किस पे सर्किल करेंगे, ई पे। अब यह हमारे आउल की पिक्चर है, तो हम किस पे सर्किल करेंगे,
ओ पे सर्किल करेंगे, आई ए एस ही रहने देंगे। अभी हमारी क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम पे हम किस सर्किल करेंगे, आई पे, ई आई यू है, इस पे सर्किल करेंगे। ऐसे ही हमारे ये फाइव बॉबिल्स हो गए। हम आपको इस पहले समझ में नहीं आए होंगे तो इससे इस तरह से आप समझ लेंगे, इस तरह से बर्थ सीट बनवा लेंगे और आप इसी तरह सर्किल करके अपना रिविज़न करेंगे। यह है एपिल, एपिल क्या है, कैसे कौन से बर्ड से बनता है, ए से। अम्ब्रेला कैसे बनती है, यू से। ये एग कैसे बनता है, ई से। आउल कैसे बनता है, ओ से। और आइसक्रीम किससे बनती है, आई से। इस तरह आप ये भी बॉबिल्स लर्न करेंगे। ये आपके फाइव बॉबिल्स इस तरह से हो गए। अब आपको ये इसी ऐसी भी बर्थ सीट बनानी है और अपनी मम्मी की हेल्प लेंगे और मम्मी के द्वारा इसको फिल करेंगे, इसको काम करेंगे पूरा स्कूल अपना वर्क इसी तरह करते रहेंगे। अभी है ए यू ई ओ आई, इस तरह ये भी बॉबिल्स हैं। अभी है एपिल, अम्ब्रेला, एग, आउल, आइसक्रीम। इसके नेक्स्ट में आपको मैचिंग के द्वारा समझाऊंगी। अब यह है फिल द मिसिंग बॉबिल, ये हमारी मिसिंग बॉबिल है, हमने इस यहाँ आपको लिख रखे हैं, नहीं तो ये आप अपनी मम्मी से बनाएंगे तो इसमें राइट नहीं करना, आप अपनी तरफ से करना। ये है कप, आप पिक्चर देख रहे हैं किसकी पिक्चर है, कप की, तो यहाँ पर सी पी लिखना है। यू आप लिखेंगे तो यू बॉबिल हो गया तो सी यू पी कप हो गया। अब यह कैट, कैट के पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें ए लिखेंगे, सी ए टी कैट हो गई, सी और टी लिखाएंगे मम्मी से और ए भरेंगे। अभी हमारा टेन, टी और एन लिखाएंगे, ई अपनी अपनी तरफ से करेंगे। यह है काइट, काइट में आई का के बनाएंगे और टी ई बनाएंगे, इसमें आई अपनी तरफ से बने अपनी तरफ से लिखेंगे। अब यह होगा काइट, अब आपका ये काइट हो गया। इस तरह आप बॉबिल्स करेंगे। अभी आपकी बॉबिल साउंड मैच, ये मैच हो गई है, यू ए ओ आई ई। अब हम यू को किससे मैचिंग करेंगे, यू को करेंगे अम्ब्रेला से। ए को किससे मैचिंग करेंगे, ए को करेंगे हम एपिल से। अब ओ को किससे करेंगे, ओ को करेंगे आउल से। आई को किससे करेंगे, आई को करेंगे आइसक्रीम से। ई को करेंगे एग से। ये इस तरह हम ये बॉबिल्स की मैचिंग कर देंगे। अब आपको सारी समझ में आ गई होगी। ये मैचिंग अपनी मम्मी से वर्कशीट बनवा लेंगे और उस पर इस तरह से मैचिंग और मिसिंग बॉबिल्स ये सब आपको करने हैं। आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। ये आपकी मैचिंग हो गई और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। आप इनमें इस तरह से करते रहेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बॉबिल्स लर्न भी हो जाएंगे। अब हम आगे इसको आपको दूसरी तरह से बॉबिल्स का ज्ञान कराएंगे। ये आपकी बॉबिल है, ये बॉबिल्स के को लर्न करेंगे। अब आगे है, ये है, अब आप आगे आपको आएंगे, ये है राइट द करेक्ट बॉबिल। अब ये ए ई आई ओ यू, इनमें से आप इसमें से आप बॉबिल भरेंगे। अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, काय की है पिक्चर, ये फैन की पिक्चर है, तो एफ एन, तो इसमें ए ए लिखेंगे। अभी यह है इस पिक्चर काय की है, यह है सन की पिक्चर, तो एस एन लिखवाएंगे मम्मी से। यू आप अपनी तरफ से करेंगे। अब यह की पिक्चर है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, के वाई लिखेंगे और ई अपनी तरफ से लिखेंगे। ये आपके सारे बॉबिल्स हो गए। यह है काइट, काइट की पिक्चर देख रहे हैं तो के और टी लिखाएंगे, आई अपनी तरफ से लिखेंगे, आपका हो गया ये काइट। अब इसी तरह के आपके ये भी फाइव बॉबिल्स हो गए, ये फैन है, ये सन है, ये की है, ये काइट है, तो इसमें ए बॉबिल आ गया, यू ई आई, इसमें फोर बॉबिल्स आ गए। अब इसी तरह से आपको बॉबिल सीखना है। अब अपनी मम्मी से ऐसी भी वर्कशीट बनाएंगे और अपने इसी तरह से लर्न करेंगे। यह है आपके फैन, फैन, सन, की, काइट। अब ये एफ एन फैन होता है, एस यू एन सन होता है, के ई वाई की होती है, के आई टी काइट होती है। इसी तरह आप पिक्चर के देख के लर्न करते रहेंगे और अपनी बॉबिल्स लर्न करेंगे। ये फाइव बॉबिल्स होती हैं, फाइव बॉबिल्स सबको लर्न करनी है। अब बाकी जो बचे होते हैं वो कॉन्सनेंट होते हैं, हम आप आगे इसको आपको कॉन्सनेंट और बॉबिल्स भी लिखाएंगे। ये आपके बॉबिल्स हो गए, ये ए ई आई ओ यू,
AEIOU, AEIOU, ये बॉबल्स हैं, ये फैन है, ये सन है, ये की है, ये काइट है। इसी तरह आपके ये फोर पिक्चर दी हैं। अब आगे मैं आपको राइट बॉबल्स एंड कॉन्सनेंट्स सिखाऊंगी। अब ये हमारा है ट्री, ट्री में हमने बॉबल्स भी लिखे हैं और कॉन्सनेंट भी लिखे हैं। अब आपको बॉबल्स में बॉबल्स लिखने हैं, कॉन्सनेंट में कॉन्सनेंट लिखने हैं। अभी हमारा यहाँ है आई, आई हमारा क्या हुआ बॉबल्स, और ई है, ई कौन सा हुआ बॉबल्स, यू हमारा बॉबल्स हो गया, और ए हमारा बॉबल्स हो गया, ओ हमारा बॉबल्स हो गया। अब बाकी एच कॉन्सनेंट हो गए, और एल कॉन्सनेंट हो गए, पी कॉन्सनेंट हो गए, सी कॉन्सनेंट हो गए, आर कॉन्सनेंट हो गए, एफ कॉन्सनेंट हो गए, डब्ल्यू कॉन्सनेंट हो गए। अब इसी तरह आप बर्सीज बनवाएंगे और उसमें बॉबल्स और कॉन्सनेंट अलग अलग लिखेंगे, आपको पता चल जाएगी कि कौन से कॉन्सनेंट हैं, कौन से बॉबल्स हैं। इसी तरह अब आप अपना रिवीजन करेंगे और अपनी मम्मी की हेल्प लेंगे, मम्मी से सीट बनवाएंगे, वर्क सीट बनाकर इसमें आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिवीजन भी अच्छा होगा, और आपको कलरफुल कलरफुल पेन से ये वर्क करना है, इसको आपको इसमें अच्छा लगेगा, कलर भी करने हैं, कलर भी कर सकते हैं, मैंने आपको कलर करने को भी दिए हैं। इस तरह आप कलर करेंगे, और जो जो वर्क मैंने वर्कशीट आपको बनाई है, इस सारी की वर्कशीट आप अपनी मम्मी से बनवाएंगे, और मम्मी से बनवा कर इसमें आप अपना वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे और अपनी मम्मी की सारी हेल्प लेंगे, और करके मुझे सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद मैं आपको आपसे मैं पूछूंगी, आपको सब रिवीजन हो जाएगा, ये सब आपका रिवीजन वर्क है, आप इसको करेंगे। मैंने तो आपको याद करने की वजह से मैंने सब लिख दिए हैं, और आप इसको मम्मी से अपने फिलअप्स और वैसे अलग अलग तरह से करवाएंगे। इस तरह आप अपने वर्क करते रहेंगे, घर पे रहेंगे, घर पे वर्कशीट बनवाएंगे, और इसी तरह अपना कार्य करते रहेंगे आप। थैंक यू सो मच।